नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नाइन का सवाल है क्वेश्चन से इज इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज टू हंड्रेड टेन न्यूटन देन द रेट ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल विल बी हमारे ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो सेवन या फिर पॉइंट सेवन वन पॉइंट फोर या फिर टेन पॉइंट सेवन के जी पर सेकेंड uh, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा यह वेरिएबल मास का सवाल है तो हमें ये पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी और इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एम वी डिवाइडेड बाई डी टी और इस फोर्स को हम लिख देते हैं अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करें तो इसको हम लिख देते हैं एम मल्टीप्लायड बाई डी वी dt डी टी प्लस डी एम बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाई वी ये वाली टर्म अपनी यहाँ जीरो होएगी सो फोर्स विल बी इक्वल टू डी एम बाई डी टी तो यहाँ पे सिंपल डेटा दिया हुआ है अपने को तो फोर्स uh, अपना है दो सौ दस न्यूटन दो सौ दस न्यूटन विल बी इक्वल टू डी एम बाई डी टी ये हमें निकालना है वेलोसिटी अपनी 300 मीटर पर सेकेंड है सो डी एम बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई थ्री हंड्रेड सो अपना डी एम बाई डी टी रेट ऑफ मास बर्निंग विल बी इक्वल टू टू हंड्रेड टेन डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो so, अपनी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट सेवन के जी पर सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट सेवन के जी पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर